एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित अजीतपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर है। लगभग 1240 की आबादी व 1050 वोटर द्वारा गोपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 370 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 47 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा एक खराब हैंडपंप को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 67 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, कन्वेंटर कॉलेज, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम गोपाल सिंह, ग्राम पंचायत अजीतपुर, विकास खंड सासनी, जनपद हाथरस। ग्राम पंचायत अजीतपुर के अंदर 6 इंटरलॉकिंग कार्य, 7 में नाली निर्माण का कार्य करवाया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और मेरी अब सरकारों से मांग है कि मुझे एक तो ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करा के ग्राम पंचायत को दी जाए और मुझे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विशेष मांग है कि धन उपलब्ध कराया तो बचा कुचा मेरे ग्राम का जो भी विकास कार्य है, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण और लाइट की व्यवस्था, नाले निर्माण का, तो मैं उसको अच्छे रूप से करा सकूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है, गांव अजीतपुर, जिला हाथरस, ग्राम पंचायत अजीतपुर में प्रधान जी अच्छा कार्य करा रहे हैं और पैसा कम होने के कारण गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत अजीतपुर के लिए धन दिलवाया जाए जिससे गांव का विकास हो सके।